क्या कर रहे थे? ये मेरे साथ गलत करके निकलता है जब भी आता है तो। ये देखिए ना, एक इधर 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 आइए। ये देखिए क्या कर रहा था इस लड़की के साथ, अभी ने गलत किया है। इस साला ही तो आर्मी वाला दिख रहा है, देखना फौजी लग रहा है, फौजी लग रहा है ना। अरे यार बताओ, पता नहीं यहाँ कैसे आ रहा है, छुप के देखो यार। है आसपास में ड्यूटी हो सकता है, हो सकता है पैंट पहन रहा है अभी। अरे पैंट चोद, इस लड़की को देखना है, इसके औरत के साथ तो क्या करने जा रहा है। अच्छा पर बॉडी गलत करता है साला, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। ये देखना भी आ रहा है साइड में, साइड देख देख निकल। ओए रुकिए, क्या करके, क्या करके निकल रहा है, क्या करके निकल रहा है उसमें से? हैं क्या किया है? ऐसे ही आया था, हैं मिलने के लिए आया था किसी तो पैंट खोल के उसमें मिल रहे थे। पैंट काहे के लिए खोला था? ये पैंट खोल के, छोरी खोल के तुम उसमें मिल रहे थे। देखिएगा सोनी भाई कौन है, क्या है, चल 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 उसमें कौन है, चल बता उसमें। हाँ शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म कौन हो तुम? अरे क्या कर रहे थे? ये मेरे जबरदस्ती कर रहा था। जबरदस्ती? ये अपने क्या कर रहे थे? ये मेरे साथ गलत करके निकलता है जब भी आता है तो। भाई गलत नहीं है, गलत नहीं है। मैं खड़ी खड़ी हो, खड़ी हो तो मैम, उठो तो, उठो यार, उठाना उठाना। क्या बात, उठाइए। हाँ भाई क्या है, ऐसे लेने हैं भाई, मैंने पैसे लेने आ रहे तुमको, पैसे लेने दे नहीं पाते, मांग के ले जाते हैं। क्या मतलब? मैंने इनसे उधार लिया था। अच्छा, मेरे पति एक्चुअली पैरालाइज हैं। अच्छा, वो काफी बीमार है, ना ही बचने की हालत में हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, तो यहाँ पे कौन से पैसे सधाने का है? मतलब ये क्या बताएगी, मैं बता देता हूँ। सही बता, क्या कर रहा था तू? बता देता हूँ, क्या बता रहा है, देने की औकात नहीं है। पैसे देने मांग लिया, एक बार हो गया, हर बारी अगली बार दे दूंगी, अगली बार दे दूंगी, पहुँचते पहुँचते चक्कर लगाते लगाते थक गया। पता है पैसा लेने का, भाई फौजी आदमी हूँ, टाइम नहीं। फौजी फौजी कभी कभी, फौजी हमारे देश की शान है, और तू क्या कर रहा है इसके, इस लड़की के साथ? कोई फौजी गलत नहीं कर सकता है। अश्वनी भाई इससे पहले पूछे ना, ये क्या कर रही है, क्या ये सही बात है, क्या ये सच बात जो कह रहे हैं सही है? नहीं सर, मैंने पैसे लिए थे। अच्छा, लगा फौजी है तो दे देगा, दिए इसने 1,00,000 रुपए मैंने लिए थे, क्योंकि मेरे पति पैरालाइज पड़े हैं। अच्छा, खेती बाड़ी भी ठीक से चल रही, तो सर मैं कहाँ से दूँ पैसे इसको? जब भी आता है महीने में, डेढ़ महीने में कभी भी आ जाता है। अरे कितना दिन पहले की बात है ये? कम से कम मैं हो चुके 7-8 महीने लिए थे पहले, और एक इतने महीने में 1,00,000 रुपए कैसे कर लूंगी मैं सर? अभी खेती बाड़ी भी चल नहीं रही है ठीक से सर, कैसे कर लूंगी मैं इससे? खेती बाड़ी पर साला खेत बेच दो ना, जितने भी खेत है बेच दो। नहीं खरीद, कोई दे रहा 20,000-30,000 दे रहा, कौन बेचेगा सर इतने कम में? खेती देखिए ना कितना है। तुम ऐसा काम करो, मतलब ये करता है आगे करता है, जब वो बोलता है तो ऐसे नहीं तो वैसे देगी। ऐसे तो किसी के मजबूरी का तू फायदा उठा रहा है? क्या फायदा नहीं उठा रहा मैं, मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा रहा। क्या कर रहे हो तो मारूंगा ना, एक शक्ल खराब कर दूंगा, बता रहा हूं। अब कभी तेरे शरीर पे भर दिया, इसलिए छोड़ दो, टाइम मिलता है एंजॉय करने के लिए, ये ऐसे तो वैसे दे नहीं रही। अच्छा तो इसके साथ जाएगा सोएगा रे साला, इसको मैं वसूली ऐसी होगी और क्या होगा, ऐसी वसूली होगी। बाहर निकला दो, तुम ही निकला बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? सही बताओ, हटा इसे, अपना एंजॉय करने आया। किसी मजबूर मजबूर आदमी के साथ तू ऐसा करेगा रे? बता रहा हूँ, एक एक बात सही से बजा देगा, साले ग्रांड में तेरा लठ बजाऊंगा। बता तो दिया, बता दिया ना, क्या बता रहा है? पैसे नहीं मिल रहे थे, पैसे ऐसी वसूल तो किस्तों में, किस्तों के लिए भी इसने इतने चक्कर कटवा दिए, परेशान हो गया। किस्तों के लिए? हाँ किस्तों के लिए, इस हफ्ते दूंगी, अगले हफ्ते दूंगी, 50 झूठ बोल लिए। मैंने कहा तो फिर ऐसी नहीं, तो फिर पैसे तो मैं वसूल ही लूंगा। ऐसे पैसे वसूले जाते हैं तो कैसे देगी, कैसे देगी? किसी के साथ सो के तू वसूले करे? एक मिनट सुन भाई, एक मिनट, इससे पूछते है ना, इसमें तुम कोऑपरेट क्यों करती है? तुम्हारा आखिर ऐसा क्या मजबूरी है? सर अब करने वाला कोई है नहीं, मजबूरी यही है कि मैंने पैसे लिए, और ये बोलता है मैं फौजी हूँ, अभी है कि नहीं है ये तो यही जानता है ना। अच्छा मान के चलो, सुन एक मिनट, अगर फौजी ही होगा तो तुम किसी के साथ सो जाओगे, किसी के साथ रात बिता लोगे? सर ये खींच लेता है, कभी कुछ करता है, मैं दूर भागती भी हूँ, खींच खाच देता है सर। अरे इन खेत बारी से तुम्हारे इज्जत से ज्यादा बड़ा ये खेत बारी है, इसको बेच देते हैं, इसका नहीं रहा ना सर, कोई कम वक्त मारे खरीद भी तो नहीं रहे, 20,000 रुपए दे रहे, कौन बेचेगा? अच्छी खासी बीको की जमीन तो कौन कर देगा सर ये? अरे तुम ये वर्दी तुम क्यों,
इसलिए पहना है, इसलिए पहना है क्या? इसकी सेवा करने के लिए थोड़ा ना पहना है, पैसा दिया तो पैसा देगी नहीं देगी? आईडी कहाँ है? आईडी आईडी कहाँ है? पकड़िएगा आसानी भैया, आईडी कहाँ है ये बता ना। हाथ लगाया तूने मेरे, गला दबा दूंगा। कौन है? कौन है? उसका भाई हो बता ना। भाई तो भाई करके तो बहन तो तेरी देख ले तेरे सामने। बहन बहन साले ऐसे चलते फिरते ना तेरे जैसे का कितने लेटा लेता हूँ मैं बता रहा हूँ। तेरे जैसे बॉर्डर पे बहुत लेटा है मैंने भी। अच्छा अच्छा, बॉर्डर पे ड्यूटी है? बॉर्डर पे ड्यूटी है ये भी लेट गई तो क्या हो गई? आईडी कार्ड ऐसे नहीं है, ऐसे लेके वसूली तो मैं ऐसे कर ही लूंगा, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है मुझे। वसूली करो। कौन सा बटालियन से है? कौन सा बटालियन से? बटालियन तुम्हें क्या, तुम कौन सा बटालियन से बताना? कौन सा बटालियन से? कौन सा बटालियन से चूतिया समझता है क्या तू? कहाँ का फौजी है तू? कहाँ फौजी है? कहाँ का फौजी है रे तू? कहाँ का फौजी है बताना? कौन सा बटालियन? तुम कौन हो? वो कौन तुम? मतलब ये मारने के लिए बंदे बुलाए हैं इसने? इधर है, इधर है ना, बात करिए। कौन सा बटालियन से? दिखाना। कौन सा बटालियन से? ये तो पता होगा ना इसको, कुछ पता नहीं है। ये तो पता है ना कि कौन सा बटालियन से है। तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों क्यों तुम कौन होते? और दूंगा अभी, बता दे सच सच बता दे, क्या तेरे साथ गेम क्या है? इसके साथ क्यों हमेशा ऐसा करता है? मैं इसके साथ नहीं करता, मैंने पैसे दिए। अच्छा पूछ लो, तुम्हारे पैसे देगा तो किसी की इज्जत के साथ चलेगा? वापस क्यों नहीं देगी? कब वापस? 30,000 रुपए करके मैंने कैसे कैसे करके दे दिए, मैंने बोला धीरे धीरे दे दूं, किश्तों के साथ दी है। डेट बता दो आराम से रख। कितना कितना दिया? 30-40 के आसपास मैं इसको दे चुकी हूँ मैं। अच्छा यानी 60 के और है? 60 और है। 60 के लिए मतलब तुम किसी का इज्जत लूट लोगे? तो कब तक देगी? एक फाइनल डेट बता दे सर। मैंने अब एक बात बताइए, अगर इसके जगह तारीख ही नहीं है इसके पास, अगर इसके जगह पे अरे तेरी बीबी होती, तेरी बीबी होती तो तू ऐसे ही उसको ले जाकर बाजार में बैठा देता कि पैसे खाते रह? बता ना। अभी बुलाते हैं 100 नंबर, सारी सारी इसकी हकीकत, सारी सच्चाई ना अभी नहीं निकले गए, फट गई अभी निकाले गए। अगर फौजी है तो तू बता कौन से बटालियन से है? नहीं फौजी नहीं हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं वर्दी इसीलिए पहन के आया था कि आसपास का मोहल्ला जो है लोग थोड़े दबके रहे। अच्छा ये जितने मोहल्ला है सब दबके रहेगा। हकीकत में दिए हैं, पैसे वसूल नहीं हो रहे थे और मिल ही नहीं थे कहीं से भी, कोई उम्मीद ही नहीं आ रही। सर झूठ बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 30-40 को दे चुकी मैं, ये भी बोलता तूने वो भी नहीं दिया। मैं क्या क्यों नहीं बोलूँ मैं? नहीं इसने दिए हैं मानता हूँ मैं, लेकिन बोल रहा है हमें तो बोलते नहीं दिए। और ए, इधर बात कर, वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, है? ठीक है बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, मैंने कहा फिर कैसे करेगी भाई दो बताओ, जमीन इसकी बिकती नहीं है। अरे सब झूठ बोल रहा है, इधर ले इज्जत लूट लेगा, इज्जत लूट लेगा उसका। इधर यहाँ पे खड़ी खड़ा है दोनों साला। अब बताओ तुम इसकी इज्जत क्यों लूट रहा है? पैसे के लिए। और पैसा तो साला एक जरिया है तेरा, ये बता ना, एंजॉय करने के लिए पैसा भी इसी लालच से दिया होगा कि इसके साथ तू मजे करेगा? नहीं है बता, इस लालच से नहीं दिया था लेकिन अब मजा आता है तो फिर मजा आता है। गई ना बात, इसके साथ करने में तेरे को मजा आता है? नहीं है वाली बात नहीं, देखो मजे मेरी भी मजबूरी थी। हाँ बोल। मजबूरी ये थी कि मैं आया एक दो बार चक्कर लगाया मैंने। अच्छा। पर मुझे लगा नहीं कि ये पैसे दे पाएगी। अच्छा ठीक है, आगे पीछे कोई है नहीं, पति मरने के कगार पे है, दो तीन चक्कर लगा के मैं भी थक गया। मैंने कहा फिर पैसे तो वसूल कैसे भी कर लूंगा, फिर इसकी थोड़ी सुंदर देखी तो दिल आ गया थोड़ा सा, फिर आके इसके साथ सोने लगा, इनके साथ जबरदस्ती करने लगा, इनके साथ जबरदस्ती तो खैर कुछ भी नहीं करी। फिर आपको नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ करता, हाथ पैर मोड़े कभी खींचे कभी कुछ के, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया ऐसा, मजबूरी। सबसे पहले गलत, सबसे गलत ये है कि तू साला वर्दी का नजायज फायदा उठा रहा है। वर्दी छिनिया इसका और मारिए दो थप्पड़ साले को। इसका लोग इज्जत करता है, ये देश की शान है। लोग बॉर्डर पे जो जवान रहता है वो अगर वहाँ जगता है तो हम चैन से यहाँ सोते हैं। हाँ? तो उसके ऊपर दाग लगा रहा है कोई, इसका भी तो थोड़ा बहुत शर्म करता है। और समझ में नहीं आ रहा है, कोई जरिया ही नहीं था मेरे पास। निकल 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 ले चलो पुलिस में, पहले से नहीं निकलने मत दो। एक काम तू चल ले, चलिए ले चलिए पुलिस में, चलो तुम सारे बात बताना वहीं पे। चल सारा बात, चलो यहाँ चल चल।